खेसारी लाल यादव की किस्मत ही इतनी बुरी है कि उनके आगे पीछे विवाद हमेशा लगा रहता है। एक दिन पहले खेसारी लाल यादव अपना एक नया गाना लेकर आते हैं, जिस गाने का नाम होता है जाए करेजा 2। गाने में थोड़ा बहुत फेर बदल करके फिर से इस गाने को खेसारी लाल यादव से गवा दिया है। अब आप समझिए कि इस गाने को लेकर विवाद आखिर कर कौन रहा है, क्या आरोप है, किस पर लगाया जा रहा है। तो दरअसल ये पूरा आरोप महेश परदेशी नाम के एक राइटर का है और उनका मानना है कि ये गाना जो है ये कृष्णा बेदर्दी ने चोरी किया। कृष्णा बेदर्दी जब हम लिखते थे, जब हम इस लाइन में आए थे, उस टाइम वो बहुत बच्चे थे, चड्डी बनियान पहनते थे। खेसारी लाल यादव जब भी कोई गाना लेकर आने वाले होते हैं या फिर जब भी कोई गाना लेकर आते हैं, तब निश्चित रूप से खेसारी के गानों के साथ विवाद होता ही होता है। ये खेसारी लाल यादव का दुर्भाग्य कह लीजिए या खेसारी लाल यादव की किस्मत ही इतनी बुरी है कि उनके आगे पीछे विवाद हमेशा लगा रहता है। खेसारी विवाद जैसा कोई काम करे या ना करे, विवादित बयान दे या ना दे, लेकिन विवाद ऐसे लगता है जैसे खेसारी अपने कंधे पर जन्म से लेकर आए हैं और जब तक खेसारी इस संसार इस दुनिया में रहेंगे तब तक वो विवादों से घिरे रहेंगे। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं तो आपको बता दें कि एक दिन पहले खेसारी लाल यादव अपना एक नया गाना लेकर आते हैं, जिस गाने का नाम होता है जाए करेजा 2। और ये वही गाना है जिस गाने को रिलीज होने से पहले ही खेसारी लाल यादव ने बलिया वाले स्टेज शो में बजवाकर गाना इस पर डांस भी किया था। आपको बता दें कि इस गाने में खेसारी लाल यादव के साथ सपना चौहान नजर आई हैं। गाने में खेसारी के साथ शिल्पी राज ने आवाज दिया है, गाने को लिखा है कृष्णा बेदर्दी ने और गाने को म्यूजिक दिया है आर्यश शर्मा ने। मतलब इस गाने में अखिलेश कश्यप का कहीं से कोई रोल नहीं है, इसके बावजूद भी ये गाना विवाद में आ चुका है। और हम ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ज्यादातर खेसारी के जो गाने हैं वो अखिलेश कश्यप की वजह से विवादित कहे जाते हैं, क्योंकि अखिलेश कश्यप के लिखे हुए गाने को लोग कहते हैं कि वो गाना चोरी का है। और जब भी कोई गाना खेसारी की आवाज में अखिलेश कश्यप का लिखा हुआ आता है तो गाने को लेकर ऐसा माहौल बना दिया जाता है अखिलेश कश्यप ने अगर ये गाना लिखा है तो ये गाना चोरी का है, अखिलेश कश्यप ने चुराया है। कई बार ऐसा आरोप लगा और साबित भी हुआ है। ऐसे में कहीं ना कहीं खेसारी के गानों के साथ ये चीज ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन ये पहली बार हुआ है। पहले कहले या फिर बहुत रेयर ऐसा होता है कि खेसारी का कोई गाना है जो कृष्णा बेदर्दी का लिखा हुआ रहता है और उस गाने को लेकर यह आरोप लग जाए कि ये गाना तो चोरी का है। और आपको बता दें कि जाए करेजा 2 गाने के साथ ठीक ऐसा ही हुआ है। गाना एक दिन पहले आया है, एक दिन में गाने पर 21 लाख से ज्यादा व्यूज है और व्यूज जैसे जैसे बढ़ रहा है गाने को लेकर विवाद वैसे वैसे तेज होता जा रहा है। अब आप समझिए कि इस गाने को लेकर विवाद आखिर कर कौन रहा है, किसका आरोप है, किस पर लगाया जा रहा है। तो दरअसल ये पूरा आरोप महेश परदेशी नाम के एक राइटर का है जो अपने आप को संगीतकार कहते हैं, गीतकार कहते हैं, और उनका मानना है कि ये गाना जो है ये कृष्णा बेदर्दी ने चोरी किया है। चोरी इसलिए किया है क्योंकि महेश परदेशी के अनुसार ये गाना 2004 से 5 के बीच में, 4 या 5 में खेसारी लाल यादव के लिए महेश परदेशी ने लिखा था और ये गाना उस टाइम बहुत ज्यादा हिट रहा था। महेश परदेशी वो है जिन्होंने खेसारी के करियर की शुरुआत में बहुत ज्यादा सहयोग दिया था। खेसारी लाल यादव के पिता मंगरू यादव भी ये बात कहते हैं कि खेसारी का करियर बनाने वाले, शुरुआती दिनों में साथ देने वाले महेश परदेशी ही हैं और खेसारी भी इस बात को मानते हैं। महेश परदेशी की नाराजगी जो है वो खेसारी लाल यादव से नहीं है, उनको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है खेसारी लाल यादव से, लेकिन उनकी नाराजगी, उनका खुन्नस, उनको चिड़ कृष्णा बेदर्दी से है। और उनका ये आरोप है कि इस गाने को हम आज से कई साल पहले 2004-5 में लाए थे और ये गाना बहुत हिट भी रहा था और मेरे इसी गाने को उठाकर कृष्णा बेदर्दी ने गाने में थोड़ा बहुत फेर बदल करके फिर से इस गाने को खेसारी लाल यादव से गवा दिया है। उनका कहना है कि गाने का जो मुखड़ा है वो पूरा पूरा मेरे गाने के लाइन से लिया गया है, अंतरा भले ही कृष्णा बेदर्दी ने अपने तरीके से लिखा हो, अपने अंदाज में लिखा हो। महेश परदेशी का कहना है कि कृष्णा बेदर्दी मेरे छोटे भाई हैं, खेसारी लाल यादव मेरे छोटे भाई हैं, पवन पांडे हो या फिर और भी गीतकार जो हम लोग मिलकर साथ में खेसारी के शुरुआती दिनों में काम करते थे, ये सब मेरे भाई हैं। अगर कृष्णा बेदर्दी हमसे पूछ लिए होते, हमको बता दिए होते, हमसे परमिशन ले लिए होते कि भैया हम आपके गाने का मुखड़ा यूज करना चाहते हैं तो हम कभी मना नहीं करते, लेकिन कृष्णा बेदर्दी ने मेरे साथ गद्दारी किया, उन्होंने मेरे साथ धोखाबाजी किया, वो हमसे बिना पूछे बिना बताए बिना इन्फॉर्म किए मेरे गाने का लाइन उठाते हैं और ले आते हैं। इतना ही नहीं, महेश परदेशी ने अपने फेसबुक पर कई सारे पोस्ट भी किए हैं जो सीधा सीधा तौर पर कृष्णा बेदर्दी को वो टारगेट कर रहे हैं। उस पोस्ट को हम आपको पढ़कर भी बताएंगे और आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि महेश परदेशी ने कृष्णा बेदर्दी के लिए कैसे कैसे पोस्ट किए हैं।
सबसे पहले आप स्क्रीन पर चल रहे इस पोस्टर को देखिए और इस पोस्ट को देखिए जो महेश परदेशी ने एक दिन पहले किया है। महेश परदेशी जाए करेजा 2 के गाने को पोस्टर को शेयर करते हैं फेसबुक पर और लिखते हैं कि आज कृष्णा बेदर्दी इंसानियत का खून कर दिया। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा पर इसका इंसाफ भगवान जरूर करेंगे, इस छल का फल ईश्वर जरूर देंगे। उसे मेरी दुआएं लगी हैं तो बददुआएं भी लगेंगी। मैं भगवान और जनता पे भरोसा करता हूं और वो जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। बात गीत चोरी करने गंवाने का नहीं है, बात प्यार अपनापन और इंसानियत की है। मैंने उसे कितना सपोर्ट किया और उसने मेरे साथ क्या कर दिया। आज साबित हो गया कि ये इंसान किसी का सगा नहीं हो सकता, ये अपने स्वार्थ के लिए किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। मैं ये सारी बातें आप सब देवता स्वरूप श्रोता समाज में छोड़ता हूं, आप ही सब इसका फैसला कीजिए। महेश परदेशी गीतकार। इतना ही नहीं, इसके अलावा महेश परदेशी एक और पोस्ट करते हैं और कृष्णा बेदर्दी को साफ तौर पर निशाने पर लेते हुए लिखते हैं कि कृष्णा बेदर्दी तुमने गलती नहीं महापाप किया है, मेरा श्राप है, तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। अब आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि महेश परदेशी को कितनी तकलीफ हुई है, वो कितने दुख में है, उनको कितना बुरा लगा है। उसके बावजूद महेश परदेशी आगे लिखते हैं कि हम आपको स्क्रीन पर सब कुछ दिखा रहे हैं, आप देखिए कि कैसे महेश परदेशी ने लिखा है कि कितने गीतकारों और सिंगरों का किस्मत खा गए, मुझे क्या क्रेडिट दोगे तुम चोर गीतकार। महेश परदेशी का ये कहना है कि कम से कम इस गाने का क्रेडिट तो मुझे मिलना ही चाहिए था क्योंकि गाना मेरा है, मैंने पहली बार खेसारी लाल यादव से इसका 5-1 गवाया था, तो फिर कम से कम एक क्रेडिट तुम्हें डिजर्व करता ही था। कृष्णा बेदर्दी ने वो भी नहीं किया। उसके बाद महेश परदेशी लिखते हैं कि मेरे साथ रह के सीखने पढ़ने वाले मुझे सिखाने चले हो, नमक खा के गद्दारी। उनका कहना है कि कृष्णा बेदर्दी जब हम लिखते थे, जब हम इस लाइन में आए थे, उस टाइम वो बहुत बच्चे थे, चड्डी बनियान पहनते थे, उनको लिखने तक नहीं आता था, उन्होंने मुझसे सीखा है और आज मुझसे ही वो गद्दारी कर गए। महेश परदेशी का एक और पोस्ट हम आपको पढ़ाएंगे जिसमें उन्होंने लिखा है कि जब तुम हाफ चड्डी बनियान पर घूमते थे तब से मैं गाना लिख रहा हूं, मुझे मत सिखाना। उसके बाद वो लिखते हैं कि रिश्ते और उम्र में भी तुम्हारे बाप और बाप से गद्दारी, और उसके बाद वो लाइव आते हैं। मतलब इस तरीके की तमाम पोस्ट, तमाम कटाक्ष वो लगातार अपनी तरफ से कर रहे हैं। इसके अलावा वो लाइव आते हैं और लाइव आकर करीब करीब 2.25 घंटे वो बातचीत करते हैं और सारा का सारा दोष इस गाने का वो कृष्णा बेदर्दी को मतलब दे रहे हैं। कृष्णा बेदर्दी उनके नजर में सबसे बड़े दोषी हैं, उनको इस गाने के सिंगर या फिर को सिंगर या फिर इस गाने के म्यूजिक डायरेक्टर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये गाना जिस कंपनी से आए उस कंपनी के मालिक से भी उनको कोई एतराज नहीं है। उनका सीधा सीधा शिकायत कृष्णा बेदर्दी से है जिनके ऊपर उनका गंभीर आरोप है कि कृष्णा बेदर्दी ने बिना बताए क्रेडिट दिए महेश परदेशी का गाना चुराया है। बाकी आपका इस पर क्या कहना है अपनी राय बताइएगा। वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।